आज हमारा मिजाज भला क्या है हमारी तबीयत है हम लोगों को बड़ा डिस्कस करते हैं फलां आदमी आजकल ये कर रहा है फलां आदमी आजकल वो कर रहा है फलां आदमी का आजकल ये बंदों को बड़ा डिस्कस करते हैं कुर्बान जाएं। हजरत उमर फारूक का रूहानी फरमान इमाम कुरतबी ने लिखा है उमर फ़ारूक की क्या निगाह है क्या समझाने का अंदाज़ है और मैंने कहा कि ये वो शख्स है कि जो अकेले में बैठ के तन्हाई में बैठ के रब को याद करने का सलीका भी जानता है और मैदान में निकल के तलवार लेके घोड़े पे बैठ के दीन को नाफिज करने का तरीका भी जानता है जिनको अल्लाह ने सारी सलाहियतों से नवाजा है एक जुमला का सैदना उमर ने आप यकीन करें धारे बदल जाते हैं सोच के किबलाए निगाह ही इंसान का बदल जाता है उसकी सोच ही तब्दील हो जाती है क्या कहने लगे हजरत उमर फरमाने लगे और कुछ खलवत नशीनी की भी आदत डालो कुछ तनहा भी रहना सीखो क्या जुमला है क्या इर्शाद है फरमाने लगे लोगों का जिक्र ज्यादा ना किया करो लोगों का जिक्र करना तो बीमारी है फरमाने लगे रब का जिक्र ज्यादा करो अल्लाह के जिक्र में शिफा है लोगों का जिक्र ही करते रहते हो इसी काम ही लगे रहते ये तो बीमारी है यह तो तुम्हारे दिल में बीमारी पैदा कर देगी हर वक्त सोचोगे और यह बीमारी आ जाती है लोगों की तरफ तोज्जो रहे तो यहाँ हसद पैदा हो जाता है या बुग्स पैदा हो जाता है या अदावत पैदा हो जाती है और कभी कभी यूं भी होता है कि कुछ लोगों को देख के इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कमज़ोर पड़ जाता है तो बंदों की तरफ देखने की हाजत क्या है जब फुरसत मिले बंदा वज़ू करे सर सजदे में रख दे कुरान पा की तिलावत शुरू कर दे और जब दिल ज़्यादा बेचैन हो तो फिर वह वज़ू करे हल्की सी खुशबू लगाए मदीने की जानब मुँह करे और महबूब करीम पर दरुदो सलाम पढ़ना शुरू कर दे रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की जीने में ये जीना है क्या बात है जीने की हजरत उमर कहने लगे लोगों का जिक्र कम करो ये तो बीमारी है निरी अल्लाह का जिक्र करो इसमें शिफा है